एक दमदार फाइट के बाद आगरा विकास प्राधिकरण। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन है बहुत ज्यादा स्पेशल बिकॉज आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे और आई एम ऑल रेडी। मेरे साथ जा रहे हैं बहुत ही रैंडम लोग और आप लोगों को उनको देख के बहुत अच्छा लगेगा। मैं फटाफट रेडी तो हो चुकी हूँ, अब जल्दी से निकलते हैं। बीच में हमने एक पिकनिक स्पॉट देखेंगे एंड हमने खाना वाना घर पे प्रिपेयर कर लिया है। हम बीच में रस्ते में आराम से खाते हुए मजे से जाएंगे। इट्स गोना बी सुपर डुपर फन। मैं इतने टाइम बाद ऐसा कुछ कर रही हूँ। हम जा कैसे रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे वहां पे, वो सब आप लोगों के लिए सरप्राइज है। बट आई एम श्योर आप लोगों को थंबनेल से पता चल जाएगा। बट एनीवे यार, आज मैं जाने वाली हूँ महिंद्रा थार में एंड इट्स गोना बी सुपर डुपर फन। And we are finally here. So this is the car, guys, जो मैं अभी drive करने जा रही हूँ and I'm so damn excited. Meet my friend Kanishk. Hi. My brother. Hi. My mother. Hi. And daddy अभी कुछ काम से अभी बाहर गए हुए, वो अभी आने वाले हैं। तब तक आप देख लो कि कितनी बढ़िया गाड़ी है ये। Not tell you, इतना मजा आ रहा है इसे राइड करने में। Okay guys, so the update is कि अब मैं सीट के इस तरफ आ चुकी and now Kanishk is driving. So Kanishk का की बेस्ट पार्ट ये है कि he has like he owns a Mahindra car from last 10 years and इसका experience already बहुत ही ज्यादा कमाल का है। So I thought कि यार तू ही drive कर ले, हमें आगरा ले जा because he loves driving. मुझे side में बैठना ज्यादा पसंद है। गाड़ी में एक बहुत ही cute detailing है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जितने भी art lovers है आप लोग relate कर पाओगे। Camels है and एक आगे थार है। ये कितना cute लग रहा है guys. Okay, so आप लोग को पता है मेरा intro कितना ही TDS है, कितना basic है, which is Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. तो उसी तरीके से इस गाड़ी का भी इंट्रोडक्शन है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वेट अ सेकंड, ये रहा इस गाड़ी का इंट्रोडक्शन थार। अभी तक हम 4x2 ट्रांसमिशन पे चल रहे थे, नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव 4x4। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद 4H बिकॉज़ हम सिटी साइड में हैं और हमें इसको एक्सपीरियंस करना है। दिस इज 4H एंड वी आर गेटिंग दिस ग्रीन लोगो। सो नाउ द 4X4 और द ऑल व्हील ड्राइव इज एंगेज्ड। सो 4x4 जो है वो गाड़ी को बहुत अच्छी ग्रिप देगा, दैट इज व्हाई वो रेव नहीं होंगे टायर्स एंड वी विल हैव एक्स्ट्रा ग्रिप थ्रू आउट आवर जर्नी। और इसका और अच्छा एक्सपीरियंस उसको डिफिकल्ट टेरेन्स पे होता है। पथरीली कोई हमारी रोड है, मिट्टी वाली रोड है, वहाँ पे हम इसकी ग्रिप, इसके एक्सपीरियंस को और बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। करेश बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी हम ऑफ रोडिंग ट्राई करेंगे, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने आज से पहले ये काफी ट्राई नहीं किया है। देखो ये गाड़ी इतनी बढ़िया है, इतनी कंफर्टेबल है कि मम्मा सो गई थी। कंफर्ट लेवल इज टॉप क्लास। अगर घर वाले सो जाएं गाड़ी में इसका मतलब इट इज द बेस्ट। तू मत सो जाएगा। अभी बात करते करते पता चला कनिष्क का ही फर्स्ट टाइम है ताजमहल में। मैं मतलब आज तक जा नहीं पाया, प्लान तो काफी बार बना है। ओके, सो अब हम पहुंच गए हैं। अब हम पेड़ों की छांव में पिकनिक स्पॉट ढूंढ लिया हम लोगों ने और अभी हम सब कुछ सेटअप कर रहे हैं। मैं कितने सालों बाद ये चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती। आर यू एक्साइटेड? वेरी मच। आर यू एक्साइटेड? Are you excited? Yes. Daddy? Yes. Guys, मैं घर से कोकम शरबत बना के लेकर आई हूँ। ये बहुत टेस्टी हो रहा है। महाराष्ट्रियंस को पता होगा व्हाट इज कोकम शरबत। अब चलते हैं, अब हम निकल रहे हैं। मम्मा आगरा की तरफ निकल रहे हैं या वृंदावन? हम अभी पहुंचने वाले हैं वृंदावन। वृंदावन में ना हमारा छोटा सा क्यूट सा एक घर है एंड उसके बाद हम जाने वाले हैं ताजमहल, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी हमको भी और थार को भी, और हम नहीं चाहते हम में से किसी की भी तबीयत खराब हो। हम इसे रोड पे लेके जा रहे हैं ना, लिटरली हर कोई पीछे मुड़ के देख रहा है। नंबर वन इट इज थार, नंबर टू इट इज
इज रेड इन कलर, सो एकदम ऐसे क्वीन ऑफ द रोड फील हो रही है। सो अभी हम आ चुके हैं वृंदावन की छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट गलियों में, एंड आसपास है एकदम गलियां नहीं है मतलब रोड है, एंड आसपास है एकदम प्यारे से सुनहरे से खेत। मुझे पहले ऐसा लगता था कि थार जैसी बड़ी बुलडोजर टाइप मस्त गाड़ियां सिर्फ लड़कों पे सूट करती, बट आई थिंक दिस इज सूटिंग माय पर्सनालिटी एज वेल। इन केस इफ यू गाइस आर वंडरिंग अभी हम कहां पे हैं, सो राइट नाउ अभी मैंने बोला था ना कि हमारा वृंदावन में घर है, तो हम उसी सोसाइटी में, अभी मम्मा डैडी और भैया कुछ काम कर रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ पे भी ड्राइव हो जाए थोड़ी सी। हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन से आगरा की तरफ, एक घंटे का ड्राइव है, बट जेन्युइनली इस गाड़ी में लग नहीं रहा कि हम ड्राइव कर रहे हैं। बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही रिलैक्सिंग जर्नी है कंपैरेटिवली। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस, आप लोग एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा। इसका एक टायर इक्वल्स टू हमारी उस गाड़ी के 3 टायर, ये इतना हैवी, इतना बड़ा, इतना मोटा टायर है। आगरा विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, देख लो अपने आप। मम्मा सो रही है, सब लोग पीछे बेहोश है, एंड मैं बेहोश नहीं हो रखी हूँ बिकॉज आई एम टू मच एक्साइटेड। ओके, सो द अपडेट इज हमने अपनी प्यारी सी थार को साइड में पार्क कर दिया है, एंड अब हम निकल रहे हैं शहर के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं 19 इयर्स बाद यहाँ पे आ रही हूँ यार, मैं तब बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने कार्स पार्क करी है, यहाँ से हमें गोल्फ कार्स लेके जाएंगी, एंड गोल्फ कार्स के लिए देयर इज अ बिग लाइन जिसपे हम लगे हुए हैं। यहाँ पे इतनी गंदी धूप हो रही है, मैं बता नहीं सकती। ओ टांगा विद अ कैमल, फोकट के पानी से आपने कितने पैसे बचा लिए मिस्टर कनिष्क शर्मा? मात्र 20 रुपए। ओके, सो फाइनली हमने एंटर कर लिया है वो एकदम ऐसे ट्रेडिशनल हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, एंड इट्स लुकिंग वेरी 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 प्रिटी। इज द एंट्री गाइस, एंड वो रहा ताजमहल। कनिष्क, ताजमहल देखा? बता कैसा लग रहा है? फर्स्ट व्यू यार, वाह। ये रहा ताजमहल गाइस, सो 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 ब्यूटीफुल। हालांकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बट इट्स स्टिल वर्थ इट। एंड हमारा व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, क्लियर व्यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, सुंदर। कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर यार, निहार रहा हूँ, थोड़ा देख रहा हूँ। सब लोग बहुत आगे थे और सब लोग जाने वाले थे, इस बंदे ने गोल घुमा के आगे लेके आया, एंड वी वर द फर्स्ट वंस टू सस्पेक्ट दैट, और सीधे आगे धपा। दमदार फाइट के बाद हमने सीट ले ली थी, एंड अब हम फाइनली अपनी गाड़ी की तरफ लेके जा रहे हैं। फाइनली अब हम बैठ चुके हैं अपनी बीस्ट के अंदर, एंड और भी ज्यादा मजेदार सी फीलिंग आ रही है बिकॉज अभी ऐसे थोड़ा अंधेरा सा होने लग गया है, एंड ये सारी लाइट्स ऐसे जगमग जगमग हो रही है। आगरा से आने के बाद, लंबा सफर तय करने के बाद, अभी हम आ चुके हैं एक जगह पे डिनर करने के लिए। बाकी ओवरऑल आज बहुत अच्छा ट्रिप था यार, मैं आपको घर जाके बहुत अच्छे से बताऊंगी, इससे पहले खाना खा लेती हूँ। ओके गाइस, आई जस्ट हैड माय डिनर एंड इट वाज एन अमेजिंग डे। हमारी रोड ट्रिप भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है, आई कैन नॉट टेल यू कितना मजा आया आज। एक दिन के ड्राइव ने हमारा पूरा एक्सपीरियंस इतना नेक्स्ट लेवल का कर दिया कि नाउ वी आर लिटरली थिंकिंग ऑफ बाइंग समथिंग लाइक दिस। This was it for today's video. Do let me know in the comment section below aapko aaj ki video kaisi lagi. If you like it, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. And bye.